हाउ मैनी ऑफ यू वॉन्ट्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड? भैया मैं तो करना चाहता हूँ, आप करना चाहते हैं तो अपना हाथ उठाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। सो आज का वीडियो भी इसी से रिलेटेड है दोस्तों। आज हम 10 ऐसी जॉब्स के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे आपको दुनिया घूमने का मौका मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर दुनिया घूमनी है तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, कई सारी ऐसी जॉब्स है जो 12th के बाद ही आपकी लग जाती है और आपको दुनिया घूमने का मौका देती है। और अगर आप दुनिया घूम रहे हो, एक ऐसी जॉब कर रहे हो जहाँ पे इंटरनेशनल टूर का मौका मिल रहा है, तो सैलरीज भी आपकी काफ़ी अच्छी होती है। बट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता इन सारी चीज़ों के बारे में, इसलिए वो इन सारी लाइनों में जाते ही नहीं है। तो मैं आपको आज कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ इन जॉब्स के बारे में। मिक्स जॉब है, सभी के लिए जॉब है, जो आपको पसंद है वो करिएगा। और यहाँ पे आप लोगों को दुनिया घूमने का मौका भी मिल सकता है। सो अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। सो हे एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब? मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। अगर पहली बार आप चैनल पे आए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि ऐसे ही वीडियोस जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हमारा मकसद है आप लोगों को अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड, अगर इंटरनेट से पैसे बनाने हैं तो वो वाले वीडियोज़ हम बनाते हैं। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते हैं आप लोगों को, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते हैं, और जॉब और बिजनेस में जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही रहती है वो भी हम बताते हैं। तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है। सो अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों 10 ऐसी जॉब्स के बारे में जहां आपको दुनिया घूमने का मौका मिल सकता है। तो पहली जॉब जो है यहां पे वो है ट्रैवल राइटर और ट्रैवल ब्लॉगर्स की। आज की डेट में ट्रैवल राइटर, ट्रैवल ब्लॉगर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर मैं स्पेसिफिकली कंपेयर करना मुझे अगर आप कहो तो ट्रैवल ब्लॉगर की तो और ज़्यादा डिमांड है। देखिए दोनों ही अच्छी फील्ड है। ट्रैवल राइटर का मतलब होता है वो पूरी दुनिया में घूमता है और अपनी एक्सपीरियंसेस को ब्लॉग वगैरह पे राइट करता है, या फिर अगर वो किसी पब्लिकेशन से जुड़ा है या किसी यू नो ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल से जुड़ा है तो वो उनको आर्टिकल लिख के देता है और ऐसे पैसे कमाता है। ये बिल्कुल वर्किंग है, काम करता है। अगर आपके आर्टिकल्स अच्छे हैं, अगर आप अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। महीने के हजारों लाखों रुपए तक कमाते हैं एक ट्रैवल राइटर, और पूरी दुनिया घूमने का उनको मौका भी मिलता है। इसके अलावा ट्रैवल ब्लॉगर वो लोग होते हैं दोस्तों जो पूरी दुनिया में घूमते हैं, इस तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस को कैद करते हैं कैमरे पे और यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं। आप यूट्यूब सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं अपने वीडियोस अगर आप एक ट्रैवल ब्लॉगर बनते हैं, और आप पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी भी देखी गई है दोस्तों कि जो ट्रैवल राइटर है, ट्रैवल ब्लॉगर है, उनका सारा का सारा खर्चा वो कंट्री भी उठा देती है, कभी कभी स्पॉन्सर कर देती है जिस कंट्री में, मतलब अगर आप फेमस हो जाते हो उसके बाद की चीज़ है। शुरुआत में तो स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती होगी आपको, बट यहां पे ऐसा देखा गया है कि जो फेमस है ट्रैवल राइटर या ट्रैवल ब्लॉगर्स, उनका पूरा का पूरा खर्चा मान लो किसी कंट्री ने उठा लिया। उन्होंने कहा कि आप हमारी कंट्री में आओ, आप आओगे तो हमारे देश का टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, प्रमोट होगा, इसलिए सारा का सारा खर्चा वो उठा लेते। तो ये भी आप बन सकते हैं। अब अगर आपको ये चीज करनी है, बनना है, तो आपके अंदर एक यू नो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए दुनिया घूमने की। सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सारी चीजें नहीं होती। देखिए एक चीज समझने वाली बात यह है कि आप कुछ भी बनना चाहोगे, सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो नहीं बन पाओगे। हर इंसान में एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए किसी काम को, स्पेसिफिक काम को करने की, उसको मजा आना चाहिए उस काम को करने में। देखिए जब आप काम को एंजॉय करोगे तब दुनिया आपके काम को पसंद करती है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जितनी भी चीजें मैं आपको आने वाले समय में बताने वाला हूं, जो आपको पसंद है वो करना, जो दुनिया कह रही है वो मत करना, ये चीज जानने वाली है, ठीक है जी? सो ट्रैवल राइटर और ट्रैवल ब्लॉगर बहुत एक अच्छी फील्ड है जहां पे आपको दुनिया घूमने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों ट्रैवल राइटर और ट्रैवल ब्लॉगर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने कोई डिग्री ली है या नहीं ली है। अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं और यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं तो आप 12th के बाद भी ट्रैवल राइटर या ट्रैवल ब्लॉगर बन सकते हैं, ठीक है जी? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी जो दूसरी जॉब है वो है फ्लाइट अटेंडेंट की। फ्लाइट में जो लोग काम करते हैं उनकी जो जॉब्स निकलती है वो भी 12th पास के लिए होती है, और यहाँ पे अगर आपकी जॉब जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में लग जाती है तो आपको दुनिया घूमने का मौका भी मिल सकता है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अगर आप फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पेसिफिकली इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप दिखने में आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, सो आप यहाँ पे आप कह सकते हो कि फ्लाइट अटेंडेंट बन सकते हो। शुरुआती स्टेज में भी आपकी सैलरी 30,000 से 40,000 हो सकती है। फ्लाइट अटेंडेंट कैसे बने, कंप्लीट प्रोसेस मैंने बहुत पहले, कुछ समय पहले मतलब वीडियो बनाया था, उस पर एक्सप्लेन किया है, आप जाके चेक कर सकते हो। ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा। अगर आप प्रवीण दिल्ली वाला फ्लाइट अटेंडेंट भी लिखेंगे यूट्यूब पे तो भी वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो थर्ड हमारी जॉब है वो है आप क्रूज शिप में
काम कर सकते हो। क्रूज शिप होती है ना दोस्तों, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंटरनेशनल शिप के द्वारा, मतलब पानी के द्वारा जो रास्ता जाता है, उस शिप में आप काम कर सकते हो दोस्तों। ये भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती। अब क्रूज शिप का ऐसा है कि यहाँ पे जब आप समंदर के रास्ते किसी कंट्री जाते हो तो टाइम लगता है, 15 दिन 20 दिन 30 दिन इवन 40 50 दिन भी लगते हैं। और यहाँ पे मतलब अगर आप इस तरीके की जॉब करना चाहते हो जहाँ पे आप इतने लंबे समय तक समंदर में रह सको और एक देश से दूसरी देश जा सको, तो ये जॉब आपके लिए है। हालांकि सब ये काम नहीं कर सकते, सबकी पसंदें अलग अलग होती है, बट यहाँ पे ये भी एक ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको दुनिया घूमने का मौका मिलता है, अलग अलग कंट्रीज जाने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि आप समंदर के रास्ते जाते हो तो चीज़ें कितनी एक्साइटिंग होती होगी, इमेजिन दैट। ठीक है जी, सो ये भी आपके लिए हो सकता है। इस पर हमने कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया है, क्रूज शिप पे अगर आप कहोगे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है और इस वीडियो पे 3,000 से 4,000 लाइक्स तो कम से कम आए, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आने वाले समय में। ठीक है जी, तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। सो यहाँ पे ये तो क्रूज शिप वाली बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर की जो हमारी यहाँ पे जॉब है जहाँ पे आपको दुनिया घूमने का मौका मिलता है, वो है इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो जॉब्स होती है, वहाँ पे आपको दुनिया घूमने का मौका मिल सकता है। देखिए, होटल इंडस्ट्री जो है ना अभी कोरोना की वजह से इफेक्टेड है, कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी एंड होटल जो इंडस्ट्री है वही अफेक्टेड है, बट आने वाले समय में ये देखा जा रहा है कि ये चीज़ बूम करेगी। सो ऐसे में यहाँ पे जो लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो उनके पास मौके रहते हैं कि वो विदेशों में जाके जो विदेशी होटल चेन्स होती है बड़ी बड़ी, उनमें भी काम कर सकते। तो आपके पास भी ये मौका है, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिप्लोमा या फिर डिग्री वगैरह लेनी पड़ेगी। होटल मैनेजमेंट में मैंने कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो हाल ही में बनाया है, नहीं देखा है तो ये वीडियो का लिंक है नीचे, ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके बिल्कुल चेक करना। ठीक है जी, सैलरीज की बात करूँ तो देखो यार, इंटरनेशनल जहाँ पर भी आपकी जॉब लगेगी वहाँ पर आपकी इंडिया से तो सैलरी ज़्यादा होने ही होने वाली है। अगर आप डेवलप कंट्री में जाते हो, इंडिया से ज़्यादा डेवलप कंट्री में जाओगे तो आपकी सैलरी वहाँ ज़्यादा ही होगी, आप कुछ बचा भी सकते हो अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट करके चलते हो। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं पहले, उसके बाद मैं और कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो बहुत जरूरी है आपके लिए जानने के लिए। सो हमारी फिफ्थ नंबर की जो जॉब है वो है मर्चेंट नेवी की। देखिए दोस्तों, मर्चेंट नेवी पे डिटेल पे वीडियो मैंने चैनल पे बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, आपने जाना है, चेक करना है और सारी डिटेल लेके अगर आपको ये काम पसंद आता तो अप्लाई कर देना है। मर्चेंट नेवी की सबसे खास जो बात मैं आपको बता दूं वो ये है कि यहाँ पे सैलरीज बहुत अच्छी होती है। हो सकता है आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से 1,00,000 रुपए तक की भी हो, बट यहाँ पे आपको शिप वगैरह में रहना पड़ता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो अगर वो चीज़ सेट होती है सो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, जो छठे नंबर की जॉब है वो है डिप्लोमैट। डिप्लोमैट जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, ये आसान जॉब नहीं है, इसके लिए आपको बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम पास करने पड़ते हैं। हो सकता है आपको IAS IPS वगैरह भी बनना पड़ सके, बट डिप्लोमैट की एक ऐसी जॉब है जहाँ पे पैसों की कोई कमी नहीं है और यहाँ पे आपको दुनिया घूमने का भी मौका मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो सातवां नंबर का हमारा यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि जॉब है वो है ट्रैवल शो की जॉब। अगर आप एक एंकर है, अच्छे से बोलना जानते हैं, सो आप एक ट्रैवल शो होस्ट कर सकते हैं। आपने ये जवानी है दीवानी मूवी देखी है, उसमें जो हीरो होता है रणवीर कपूर, वो यहाँ पे एक ट्रैवल शो होस्ट होता है जो अलग अलग कंट्रीज जाता है और वहाँ पे अपने शोज़ को होस्ट करता है। अगर आप भी ये चीज़ करना चाहते हैं तो आपको इस फील्ड में पढ़ाई करनी पड़ सकती है। मास कम्युनिकेशन एक अच्छी पढ़ाई है जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों के बारे में सीखते हो। उसके बाद आप यहाँ पे जो कंपनीज़ है, जैसे डिस्कवरी टीवी हो गया, हिस्ट्री टीवी हो गया, तो वहाँ पे जॉब्स निकलती है। सो आपको सर्च करना पड़ेगा कि क्या जॉब निकल रही है। अभी अगर कोई एक ट्रैवल शो होस्ट होता है, मतलब अगर कोई ट्रैवल शो बनता है, सो उसमें सिर्फ होस्ट की ही ज़रूरत नहीं होती, कैमरामैन भी होते हैं, एडिटर भी होते हैं और भी बहुत सारा, मतलब आप कह सकते हैं कि लोग होते हैं। सो अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आपकी वहाँ भी जॉब लग सकती है और आपको दुनिया घूमने का मौका मिल सकता है। समझ गए जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आठवें नंबर की जो हमारी जॉब है वो IT से रिलेटेड और मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब्स है उन कंपनीज़ में जिनके ऑफिसेज इंटरनेशनली भी है, मतलब MNC जो कंपनीज़ होती है, अगर आप वहाँ पे कोई एक ऐसी जॉब पा लेते हो जहाँ पे आपको IT रोल मिल गया या मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब मिल गई आपको, तो आपको दुनिया घूमने का मौका मिल सकता है दोस्तों। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनको शुरुआती स्टेज में ही जो IT कंपनीज़ में है उनको दुनिया घूमने का मौका मिला। सो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बट यहाँ पे कंपनी MNC है या नहीं है वो डिपेंड करता है। मतलब जैसे अगर मान लो आप किसी कंपनी में गए, उसकी कंपनी की ब्रांच सिर्फ इंडिया
इंडिया में है तो ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि आपको दुनिया घूमने का मौका नहीं मिलेगा। बट अगर आप एक ऐसी कंपनी में गए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है तो आपको हो सकता है कि जो कंपनी वाले जो दूसरे देश में प्रोजेक्ट है वहाँ शिफ्ट कर दे तो आपको दुनिया घूमने का मौका मिल सकता है। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो मतलब 30 साल से पहले ही आप कहेंगे कि 10-10, 15-15 कंट्रीज ऑलरेडी घूम चुके हैं। सो आपको भी मौका मिल सकता है यहाँ पे। बट यहाँ पे आपको अपनी पढ़ाई उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। IT में जाना तो आपको देखना पड़ेगा क्या बनना है, या मैनेजमेंट में जाना है तो वो देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट से रिलेटेड, MBA से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ दोस्तों हमने पहले बनाए थे, 50 से भी ज़्यादा वीडियोज़ होंगे, जाके देखना दोस्तों उन वीडियोज़ को। IT जॉब वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे, जो आपकी ग्रोथ के लिए फायदेमंद रहेगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो 9वें नंबर की हमारे यहाँ पे जॉब है वो है पायलट की जॉब। अभी पायलट की जॉब मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होती है पायलट, हम सबको पता है क्या होता है। इस जॉब में भी आपको इंटरनेशनल घूमने का मौका, विदेश घूमने का मौका मिल सकता है। पायलट कैसे बना जाता है इस पे रिलेटेड हमने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, जाके आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। हालांकि जब आप पायलट बनने का सोचें तो दो चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पे पैसे बहुत इन्वेस्ट करने पड़ते हैं शुरुआती स्टेज में। जो पायलट की पढ़ाई है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं अगर आप एक कमर्शियल पायलट बनते हो। अगर आप यहाँ पे एयरफोर्स वगैरह के पास जाते हो तो वो थोड़ा सरकारी में उनमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, बट यहाँ पे अगर कमर्शियल पायलट जिन्होंने बनना है उसमें बहुत पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। कम से कम आप मोटा मोटी 1 करोड़ रुपये मान के चलो एक पायलट जो जितने भी लाइसेंस वगैरह लेता है उसमें लग जाते हैं। ठीक है, सो ये सारी जब चीज़ें आप यू नो मैनेज कर पाओ तभी इस फील्ड में जाना। इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो जैसा कि मैंने बताया चैनल पे बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10वें नंबर पे हमारी जो यहाँ पे हम कहेंगे जॉब ही कहूँगा मैं फुल टाइम, वो है बिजनेसमैन की जॉब। हालांकि बिजनेसमैन को लोग कहते हैं बिजनेस कोई जॉब नहीं है, बट बिजनेस एक फुल टाइम जॉब है। जो जॉब करता है बंदा उसके लिए तो हफ्ते में 2 दिन की या 1 दिन की छुट्टी रहती है, बट जो बिजनेस करता है उसके लिए कोई छुट्टी नहीं है। उसको महीने के आप कह सकते हैं कि 300 दिन, हफ्ते के 7 दिन उनको काम करना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है बिजनेस की जहाँ पर मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है। सो यहाँ पर बट एक चीज़ की अपॉर्चुनिटी मैं पक्का कहता हूँ कि अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ पर आप इंटरनेशनल डील करते हैं तो आपको विदेश घूमने का मौका भी मिल सकता है। तो दोस्तों ये कुछ 10 ऐसी जॉब है जहां पे आपको विदेश घूमने का मौका मिल सकता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा, अलग होगा। सो अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्दी अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।